आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी की सरेराह बेरहमी से उसके प्रेमी साहिल ने चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इस वारदात से पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर में शरण ली। वहां पर बड़े सुकून से के साथ उसने खाना खाया और सो गया। साहिल की बुआ को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हत्या के बाद बुआ के घर पर चैन की नींद सो रहा था साहिल। माथे पर आरोपी साहिल के नहीं दिख रही शिकन, साक्षी के साथ छलावा, आरोपी को नहीं कोई पछतावा, शरीर पर चाकू के 16 घाव, सिर की टूटी हड्डी। गलतियां कौन नहीं करता, गलतियां हमसे भी होती रहती हैं, लेकिन उसका एक दायरा होता है। आप किसी की हत्या कर दें ये गलती नहीं कही जा सकती, खासकर जब हत्या के बाद आपको बिल्कुल पछतावा ना हो। तो साफ है कि आपने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ हैवानियत की है। साक्षी को दनादन चाकू से मारने के बाद जिस तरह उसके शरीर पर बार बार पत्थर मारा, उससे साहिल की हैवानियत झलकी। पुलिस की पकड़ में आने के बाद उसके जो हाव भाव दिखे, उससे साफ हो गया कि वह इंसान नहीं एक राक्षस है। उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। उसके चेहरे से हैवानियत साफ झलक रही है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद वह ऐसे अकड़ कर बैठा है जैसे उसने बहुत बड़ा मैदान मार लिया हो। दिल्ली में 16 साल की साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से पूरा देश सन्न है कि एक युवक इतना हैवान और शैतान कैसे बन सकता है, जबकि कोई उससे प्यार करता हो। क्योंकि प्यार में इतनी हैवानियत कैसे दिखा सकता है, क्योंकि साहिल ने जिस तरह से साक्षी को मौत की नींद सुलाई, उसके बाद से लोगों के बीच केवल एक ही बात सामने आ रही है, वो है ये कि कैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को इतनी खतरनाक मौत दे सकता है। फिलहाल जिस तरह से साहिल ने साक्षी को मौत की नींद सुलाई, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश भी दिख रहा है। फिलहाल पुलिस ने साहिल को दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर बुलंदशहर से गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद साहिल के चेहरे पर किसी तरह का कोई पछतावा नहीं दिख रहा। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि साहिल ने साक्षी को पूरी प्लानिंग के साथ मौत की नींद सुलाई, क्योंकि एक तरफ तो दावा किया कि वह साक्षी से प्यार करता था, लेकिन प्यार का इतना खतरनाक अंजाम किया कि किसी को भी विश्वास नहीं कि साहिल उससे प्यार करता था। फिलहाल जिस तरह से साहिल की गिरफ्तारी के बाद तस्वीरें सामने आई, तस्वीर सामने आने के बाद जो उसकी अकड़ भी देखी गई, वो अकड़ कहीं से भी कम नहीं दिख रही थी। फिलहाल पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया और उसकी 2 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली है। अब रिमांड पर लेने के बाद ये जानने की कोशिश करेगी पुलिस कि आखिर साहिल ने इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्या वाकई इस हत्या के पीछे कुछ राज है, या फिर प्यार का ये इतना खतरनाक जो अंजाम हुआ उसके पीछे आखिर राज क्या है, क्या कुछ प्लानिंग थी, आखिर किस वजह से साक्षी की हत्या की गई। ये सभी तरह के सवाल हैं। क्या इन सवालों का जवाब पुलिस को 2 दिन की कस्टडी रिमांड पर मिल पाएगा? हम आपसे पूछते हैं, क्या प्यार में पड़े आशिक की करतूत ऐसी हो सकती है? क्या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की ऐसी भयावह तरीके से हत्या कर सकता है? चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि साक्षी ने उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाया होगा, लेकिन हत्या के बाद में तो उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था। अगर उसे लगता है कि उसने गुस्से में वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो जरूर उसे पछतावा होता। लेकिन इस तस्वीर को देखकर कहीं से लगता नहीं कि साहिल को अपनी हैवानियत पर थोड़ा सा भी पछतावा है। तस्वीर तो उसके दिल की बात साफ बयां कर रही है। उसके शैतानी चेहरे से साफ दिख रहा है कि उसे पछतावा तो दूर, अपने किए पर गर्व है।
तभी से वो अकड़ कर बैठा हुआ है और कैमरे के सामने ऐसा पोज दे रहा है जैसे किसी को संदेश दे रहा हो। मैंने कर दिखाया, मैंने मैदान मार लिया, मैंने वो कर दिखाया जो सबके बूते की बात नहीं है। राजधानी दिल्ली, दिल्ली के शाहबाद इलाके की डेरी गली, जहां पर साक्षी को मौत की नींद सुलाई गई। इस घटना को देखकर सभी हैरान हैं और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिस तरह से साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। फिलहाल इस घटना के बाद से परिवार में जिस तरह से आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग की है, तो वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश तेज कर दी है, क्योंकि पुलिस को आरोपी साहिल की 2 दिनों की रिमांड मिल गई है। अब इस रिमांड के बाद पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या वाकई साक्षी अपने दोस्त के बेटे के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकली थी, या फिर वह किसी से मिलने के लिए जा रही थी, या फिर साहिल के पास ही साक्षी जा रही थी जिस दौरान इस हत्या को अंजाम दिया गया, या फिर इस घटना के पीछे कोई और राज है। फिलहाल इस मामले को लेकर जिस तरह से साक्षी के माँ बाप ने उसके फांसी की मांग की है, लेकिन सवाल अभी इसमें ये उठता है कि आखिर जिस तरह से साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद उस चाकू को भी आखिर कहाँ छिपाया जो पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि साहिल जिस तरह से दिल्ली से 110 किलोमीटर का दायरा तय कर लिया, लेकिन इस दौरान दिल्ली पुलिस आखिर क्यों सोती रही, क्योंकि जब घटना हुई, घटना के तुरंत बाद ही पुलिस को इस मामले में जानकारी हुई, तो पुलिस ने आखिर इसमें लापरवाही क्यों बरती, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही बरती गई उससे पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, राहत की सांस तो ले ली, लेकिन आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल जिस तरह से लापरवाहियां देखी गई, उन लापरवाहियों पर आखिर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये घटना एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को झंझोर दिया है और इस घटना के बाद से राजनीतिक पार्टियां भी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और उसकी कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। फिलहाल अब देखना ये है कि जिस तरह से दिल्ली के शाहबाद इलाके की ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्या वाकई महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, या फिर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि दावे इसी तरह खोखले साबित होते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। श्रद्धा, निकी और साक्षी, ना जाने और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रेम का या प्यार का इतना खौफनाक अंत हो सकता है कि कोई हैवान बन जाए, क्योंकि साक्षी हत्याकांड की तस्वीरें सभी ने देखी थी, किस तरीके से जो आरोपी है वो किस तरीके से हैवान बन गया, वो लगातार साक्षी पर अटैक करता रहा और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इन सभी के बावजूद एक जो हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि साहिल को अपनी इस करतूत का जरा सा भी पछतावा नहीं है, ना तो वो ये कह रहा है मुझे उस बात का पछतावा है, और जो तस्वीरें हमने देखी, जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, उसको देखकर तो यही कह सकते हैं कि जो साहिल है वो सीना चौड़ा कर रहा है कि आखिर उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज पर एक सवाल है कि क्या वाकई में लड़कियों की सुरक्षा पर क्या कोई कानून नहीं बन सकता, क्या कोई महिलाओं की सुरक्षा पर कोई भी सरकार कानून नहीं बना सकती, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो लगातार यूं ही चलते रहे हैं, और ना जाने और कितने साल तक जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, जो महिलाओं के खिलाफ अन्याय है, वो कब तक महिलाएं सहती रहेंगी और आखिर कब तक महिलाएं शिकार बनती रहेंगी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।